सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। अप्रैल मई महीने के दौरान देश में लोकसभा चुनाव की संभावना है। चुनाव का ऐलान से पहले राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। कई दलों ने कई सीटों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। इस बार यात्रा मिजोरम से शुरू हुई थी और इसे मुंबई में समाप्त होना है। 14 जनवरी से शुरू हुई यात्रा को 20 मार्च को मुंबई में खत्म होना था, लेकिन माना जा रहा है कि इस यात्रा को इस समय से पहले ही खत्म हो सकती है। सूत्रों के अनुसार यात्रा के स्पीड को बढ़ाया गया है। पहले एक दिन में 70 किलोमीटर का सफर तय करने की योजना थी, हालांकि अब यह 100 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चल रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पार्टी अब 11 दिन के बजाय 6 से 7 दिन में ही अपनी यात्रा को समाप्त कर लेगी। इस लिहाज से राहुल गांधी की यह यात्रा 10 मार्च को समाप्त हो सकती है। पार्टी सूत्रों के हिसाब से हालिया राजनीतिक हलचलों में पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। यात्रा के दौरान कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इंडिया गठबंधन के कई साथी भी बीच मझधार में नाव बदल चुके हैं। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। आरएलडी के भी एनडीए में शामिल होने की कयास चल रहे हैं। वहीं कई अन्य नए दल कांग्रेस पार्टी को तेवर दिखा रहे हैं। इन सबसे निपटने के लिए राहुल गांधी की यात्रा को समय से पहले खत्म करना चाहते हैं। इसके साथ ही इंडियन गठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी भी पार्टी चिंतित है। गठबंधन के लिए कई दलों ने नेता कह चुके हैं कि इसकी देरी के पीछे कांग्रेस की एक बड़ी वजह है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग के लिए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने कई दलों के साथ बैठक की, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया। यह फैसला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को करना होगा, लेकिन इसके लिए राहुल गांधी को दिल्ली में मौजूद रहना जरूरी होगा। इसलिए यह पार्टी भारत जोड़ो नया यात्रा को जल्द खत्म करना चाहती है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।